आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। आज हम बनाएंगे चने की दाल माश। तो ये चने की दाल मैंने 1 कप ले ली है, साफ कर ली है। ये 2 कप माश की दाल ले ली है, इसको भी साफ कर लिया है। सबसे पहले मैं चने की दाल ये धो के उबालूंगी। चूल्हा मैंने जला दिया है, चने की दाल धो के उबलने के लिए रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक अपने हिसाब से डालिएगा। डाल दिया, अब इसे उबलने के लिए रखती हूँ। ये ढकना ढक दिया। ये देखिए दाल हमारी उबल गई है, अब इसमें हम माश की दाल धो के डालेंगे। ये देखिए हमने धो लिया बीट डाल दी इसमें। अब हम इसमें लाल मिर्चें पिसी भी डाल दें या कुटी भी डाल दें, दाल हमारी डल चुकी है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे थोड़ी सी। ये देखिए हमने दाल डाल दी है, अब हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे। आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, या आप हरी मिर्च काट के डाल दें या पीस के डाल दें, वो आपके ऊपर है। मैं पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ और फिर थोड़ी सी अदरक। ये देखें थोड़ी सी मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा, तेज़ खाते हैं ज़्यादा डालिएगा, हल्की खाते हैं कम डालिएगा। अब हम अदरक का शामिल करेंगे। ये देखें ये अदरक मैंने काट ली थी बारीक, ये डाल दी। आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। अब इसे चलाएंगे हम चम्मच से। नमक हम पहले डाल चुके हैं, चला दिया। अब छुपा देंगे इसे। दाल हमारी हो गई है, अब बस तड़का लगाएंगे और इसे ढक देंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। तड़का लगाने के लिए ये देखिए हमने प्याज काट ली है थोड़ी सी, शामिल कर दो साबुत लाल मिर्च, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज। अब चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप चूल्हा बंद कर देंगे। अब तड़का लगाएंगे दाल के, देखते हैं अपने तड़का लगाएंगे। अब प्लेट में निकालूंगी, झटपट सी तैयार हो गई है मज़ेदार सी चना माश दाल। इसके साथ हरी चटनी, सलाद, अचार, बनी हुई मिर्चें या लाल वाली जो चटनी होती है, वो रेसिपी भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस जो वीडियो है, आप उनमें देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और घर पे ज़रूर बनाएगा। बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है।